हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो मॉनसून स्पेशल है। इसमें मैंने कौन सी डिशेस खाई है उसके बारे में बताया है। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए ताकि आप वीडियो के सभी लेटेस्ट अपडेट जान सकें। तो जैसे कि मुंबई में हैवी रेन्स हो रहे हैं तो सबसे पहला दिमाग में जो आता है वो है मैगी। मैगी की रेसिपी मैंने शूट की नहीं है, वैसे भी तुम लोग तो कभी दास किचन की रेसिपी देखोगे, तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगी तो फिर ज़रूर अपलोड करूँगी। तो मेरी ये परफेक्ट मैगी रेडी है। तो मैगी, मॉनसून और माउंटेन्स, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे मेरी बालकनी से मिल रहा है। तो यही मेरा मिनी लोनावला है क्वारंटीन में। इसके बाद परंपरा के अनुसार मुझे मैगी के पिक्चर्स अच्छे क्लिक करके फेसबुक पे अपलोड तो करना रहता ही है। आई एम श्योर आप लोग भी करते ही होंगे। और मैगी बाय द वे डीमार्ट और मेडिकल में मिल रही है। शाम के 5:30 हो गए और अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं है। अभी जो मन कर रहा है वो है चाय पीने का। मैं तो बहुत बड़ी शौकीन हूँ चाय की। चाय को मना करना मतलब पाप करने जैसा हुआ, तो ये सब तो मैं करती हूँ नहीं। चाय के लिए मैं कभी किसी को मना करती हूँ नहीं। आई थिंक मॉनसून फेवरेट्स में मैगी के पहले सबसे पहले चाय आती है बहुत लोगों के लिस्ट में। चाय वाय की रेसिपी मैंने शूट नहीं की, वैसे भी आप लोग कौन सा मेरी चाय की रेसिपी देखने वाले हो। पानी कैसे गर्म करते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, ये सब मैं नहीं पोस्ट करती, सॉरी। तो अभी मैं अपनी बालकनी से चाय के मज़े ले रही हूँ और साथ ही साथ बारिश के भी मज़े ले रही हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है बारिश, तो अभी जो व्यू है वो थोड़ा क्लियर दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी कि माउंटेंस जो है वो अभी थोड़े विजिबल है जो पहले नहीं थे। वो चाय वाली बात को थोड़ा सीरियसली लेना मत। इसकी रेसिपी चाहिए तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं पोस्ट कर दूंगी। तुम लोग भी क्या याद रखोगे। तो ये जो वीडियो है अभी पोस्ट रेन मैंने शूट किया है। अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि माउंटेंस है। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाती हूँ। मेरे बालकनी से पगोड़ा दिखता है जो बोरिवली में है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या शो ऑफ कर रही है। हाँ ठीक है यार, कर रही हो। तो फाइनली इतना बोलने के बाद, इतना कन्विंस करने के बाद मेरी मॉम ने आलू भजिया बना दिया। बटाटा भजी बोलते हैं हम लोग इसको मराठी में, बटाटेची भजी टू बी मोर प्रिसाइज। बारिश में सबसे ज़्यादा वड़ा पाव का मन होता है, पर वड़ा पाव तो कोई बनाएगा नहीं अभी, इसलिए बटाटा भजी से ही काम चला रही हूँ मैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, हिचकिचाना मत यार। मैं नेक्स्ट टाइम शूट करके अपलोड करूँगी आप लोग के लिए। तो मैंने ये वीडियो 2 दिन में शूट किया है, तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हो कि आज इतनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है कि मैं लिटरली विंडो भी खोल के दिखा नहीं सकती आपको, व्यू भी नहीं दिखा सकती, इतनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है। और आज मैंने लंच के लिए बाहर से ऑर्डर किया है जोमेटो से। दिन थोड़ी ना मैं रोज़ रेसिपी शूट करती हूँ, कभी ना कभी मेरा भी मन करता है कि बाहर से ऑर्डर करूँ कुछ। तो आप लोग मुझे आपके क्या फेवरेट्स है मॉनसून फेवरेट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या क्या खाते हो। तो मैंने वेज ट्रिपल शेज़वान फ्राइड राइस ऑर्डर किया, उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री मुझे फ्राइड नूडल्स और शेज़वान चटनी, मेरा फेवरेट। तो मैंने भी वेज फ्राइड राइस की रेसिपी अपलोड की है साथ साथ शेज़वान चटनी, तो आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी मेरे वीडियोज़ की, तो आप ज़रूर चेक करना। अभी बारिश और भी ज़्यादा बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनिशियली जब मैंने बालकनी का व्यू दिखाया तब ये ग्रिल नहीं था, तो हाँ आज ही लगाया मम्मी ने सेफ्टी रीजंस के वजह से, क्योंकि मम्मी अभी भी हम लोग को बच्चा समझती है, पर इट्स ओके। पर इसका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने यहाँ पे दिमाग लगा के ये विंडो बनाया जो कि बाहर की तरफ खुलती है, जिससे कि व्यू भी ख़राब नहीं होता। तो मैं इजीली इसके साथ रोज़ अपने क्लाउड्स के फोटोज़ खींच सकती हूँ। बाय द वे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी यहीं पर कहीं पर साइड में डाल दूँगी। तो आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी चेक कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। शाम होने आ रही है और बारिश का कोई रुकने का नामो निशान नहीं है। तो जो लास्ट फेवरेट चीज़ है जो मैं मॉनसून में खाना पसंद करती हूँ वो है रसगुल्ला। लोग सोच रहे होंगे कि कैसी टेढ़ी लड़की है। मुझे पता है कि हार्डली कोई होगा जिसको बारिश में रसगुल्ला खाने का मन होगा। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों का तो बारिश में कुछ चटपटा या कुछ पानी पूरी टाइप्स मन करता होगा, पर पानी पूरी बनाना बहुत बड़ा मेहनत का काम है। तो ऐसी मेहनत मैंने एक बार की है, तो आप मेरा वीडियो चेक कर लेना पानी पूरी का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई रियली मिस माय पानी पूरी वाले भैया। साथ में वो पानी पूरी वाला प्रेशर भी मिस करती हूँ, एक पूरी मुंह में, एक पूरी हाथ में और एक पूरी डिश में। कुछ नहीं, हो जाएगा सब कुछ ठीक, पानी पूरी वाले भैया भी आ जाएंगे वापस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।